एंड द कैंगरू दैट इज अ लॉर्ड ऑफ चैप्टर्स बेटा बहुत धमाल होने वाला है एवरीबडी स्टे ट्यून सीट बेल्ट बांध लो हैलो माई विनोदाव आर यू वट्सअप गुड इवनिंग हेलो है ठीक है

एवरीबॉडी लेट्स लेट स्टार्ट सारे के सारे बच्चे इसी वक्त अमित सर को प्यार दिखाएंगे हिट द लाइक बटन पीपल प्लीज सब्सक्राइब एक पीपल ले मोटिवेशन लेते हैं इफ यू ट्राई ना देर इज नो अपर्चुनिटी टू सक्सीड तो बेटा ट्राई ट्राई टिल यू सक्सीड लेकिन ट्राई तो करो यार कोशिश तो करो यार उसके बिना कैसे होगा ठीक है

और इफ यू आर नॉट एबल टू क्लिक ऑन द लिंक देन आ जाओ आई विल गिव यू द कोड ऑफ द लिंक एवरीबॉडी विल गो टू डब्ल्यू डब्ल्यू एंड कोड लगाना है 226835 टू आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ डबल टू सिक्स प्लीज गो टू डब्ल्यू 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 डॉट वी क्विज डॉट इन सर आज तो वी क्विज मैथ इंग्लिश है ये yes, वरुण बेटा पांच से छे अमृतसर का मैराथन है छे इस, छे नहीं सवा छमें ठीक है जाओ पीपल हाउ मनी टू डब्ल्यू 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 लगाओ डबल डबल टू सिक्स एट थ्री फाइव कब कैन आई गेट अट्वाइट ज्वाइंट हाउ मेनी ऑफ माइ लॉक्सार्ज हैल्दी जल्दी जल्दी बताओ चलो एस डब्ल्यू के सिंह कृतिका कम मीट ओ माई गॉड

226835 chalo people i am starting in 3 in 2 in 1 first question on your screen come on all the best people here we go according to jim how should the christmas morning be it should be beautiful with the sun shining it should be warm and comfortable it should be cold and frosty yeah it should be rainy people according to jim all the best

No, Arav. Silly mistake. Time is up. Oh no! Oh no! Oh no! Everybody has got it wrong. Literally.

What was the logic of geography? ठीक है? That land and water attracted man. Why valleys were populated? Why cities ran along the river? या how cities are developed? ये geography का पूरा का पूरा logic वाला क्या है? Yogesh बेटा, right now don't join live chat में answer करो. End of the session में join करना बता दूँगा मैं कैसे join करना

दीपा एंड माई भवन चालो पीपल नॉट बैड अभी एवरीबडीज टू पार्टिसिपेट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन दर्ल्ड सो देंट बेसिकली एक स्टोरी है ऑथर इस केस में बाइज अ रोल टॉप टेबल फ्रॉम अंक शॉप ठीक है एंड टू ही वर्किंग मतलब के पहले वो टेबल लेता है फिर उसको इन द लास्ट ड्रॉर वो सीक्रेट स्पेस में ड्रॉर के अंदर ही फाइंड टिन बॉक्स टिन बॉक्स के अंदर उसको मिलता है एक लेटर रिटन बाय जिम मैकफर्सन वॉज द कैप्टन ऑफ द इंग्लिश आर्मी जिसने लिखा है वो लेटर अपनी वाइफ

बहुत इंटरेस्टिंग okay. बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है प्लीज पे अटेंशन देखो दिस लाइन रिफ्लेक्स हाउ आर क्यूरियोसिटी बेटा क्यूरियोसिटी मतलब कि ना द विल टू नो एवरीथिंग डिजायर टू नो एवरीथिंग डिफीट्स आर स्क्रूपल्स स्क्रूपल्स मतलब क्या द मोरालिटी बेटा मोरालिटी इज नथिंग बट आवर वैल्यूज दैट इज व्हिच मेक्स अस रिलक्टेंट रिलक्टेंट मतलब अनविलिंग मतलब ना करना टू डू समथिंग दैट मे बी रॉन्ग ठीक है सो हियर द पोएट टॉक्स अबाउट द बॉक्स मतलब कि हिज क्यूरियोसिटी सो ही ओपन अगर आप कोई और किसी और की चीज लेते हो आपको नहीं खोलना चाहिए लेकिन जब भी आपके दीदी भैया का पार्सल आता है पहले पहले आप उसको खोलते हो दैट इज रॉन्ग ठीक है चलो दो हिज मोरालिटी मेड हिम फील दैट ओपनिंग बॉक्स इज रॉन्ग ही कुड नॉट रेजिस्ट योर तो ही कुड नॉट कंट्रोल द अर्ज टू ओपन द बॉक्स इजी पीजी

बेटा फेबिल पोएम जनरली इन द फॉर्म ऑफ अ मॉरल एंड एसिफ एसिफ की फेबल्स हमेशा ना वो एनिमल्स की यूज करके लिखता था ठीक है सो इट इज अफ अरेट एंड सिली क्रिकेट

सर आप नर्सरी के स्टोरीज क्यों पढ़ा रहे हो क्या बात है पेहू दैट इज ऑसम जब तुम लोग का सिलेबस ही पढ़ा रहे हो तो सर नर्सरी क्यों पढ़ा रहे हो यस एब्सोल्युटली करेक्ट माय निया यस माय लक्ष्मी सुपर ठीक है चलो तो बेटा द क्रिकेट टू कंप्लेन व्हेन ही रियलाइज कि विंटर आ गई है एंड देयर इज नो फूड तो खाने पीने का कुछ मजा ही कुछ बचा ही नहीं है लाइफ में परफेक्ट पीपल हाउ डिफरेंट इज द एंड फ्रॉम द क्रिकेट वा वेरी इंपॉर्टेंट आंसर देखो मतलब totally उसने ना कुछ खाना बचाया वो खेलते नाचते रहा

तो बेटा रीअश्योरिंग मतलब के इनकरेजिंग डिटेल्स ठीक है अबाउट डिटर्मिनेशन करेज रेजिलियस एंड सर्वाइवल कुछ भी हो जाए डटे रहना है लगे रहना है एंड किसी भी हालत में गिव अप नहीं करना है पीपल दैट वाज वेरी पावरफुल वन शुड एग्जिबिट एक्ट्स ऑफ करेज कंपैशन कंपैशन मतलब केयरिंग फॉर एवरीवन पीपल वी सॉ ब्रेव पीपल सेविंग अदर्स लाइफ

My young beta, I really don't know. I'm not sure. Batao Batao Batao. Hi my Hansika. Ignatius, Tilly, Lalita. Very nice. I'm getting multiple answers. Oh no. Chalo people. So answer is Ignatius. Yes. Was the manager of a cooperative society in Kachol. his wife felt an earthquake at 6 a.m. in the morning. Ignatius carefully took the television set off the table and put it down on the ground so that it would not fall. Priorities. Pehle TV ko bacha lo, bhai. Chalo, people. Why did dogs refuse to go outside at GAN? Likho. People, why did dogs not go outside? Hi, my Ananya. How are you? Likho. Jodi jodi likho. Easy busy? क्ष्मी एब्सोलूटलीप माई शाहीन सुपॉप सुपर सुपर वेरी गुड है देखो सो अंकलमैन गाल बीच जाना ही नहीं है बीच वेर दे आर यूजेड टू गो मतलब कर सक रहे थे दिस इज बिकॉज द डॉग्स गॉट समलर्ट फ्रॉम देर सुपर पावर तो बेटा सुपर पावर मतलब सिक्स देखो इंसानों के पास होती है फाइव सेंसेस Dogs and animals are supposed to have a sixth sense that disaster hai. Thus it saved the life of man because something was wrong. That is why animals are not willing to go. Super. Shalom people chai five quizzes. I want the answer in the live chat. What was the policy of Antwa? Bita, batao, never borrow, never lend, always give and take, share and grow. None of the above. A or B or C or D. Everybody has to participate. Everybody has to write the answer. Batao,

तो so, बेटा जिम्स रिटर्न वाज द बेस्ट क्रिसमस लेट प्रेजेंट इन द वर्ल्ड प्लीज चेक योर टेक्स्ट बुक बेटा टेक्स्ट बुक के हिसाब से करना ये ऑसमनेस चलो बीपुल इसी के साथ हमारेफी लेसन ठीक है विच इज नॉट जोग्राफी लेकिन इंग्लिश में है तो पीपल ये पोयम वा है जिसमें पोएट ने डिस्क्राइब किया है द सीन ऑफ अ सिटी फ्रॉम अ जेट जेट मतलब के एरोप्लेन से आहा क्या दिखता है ही फाइंड्स दैट सिटीज आर नॉट नीटली प्लानड सिटीज आर वेरी डिसऑर्गेनाइज बोले तो किधर भी कुछ भी डाल दिया यार लेकिन ही अंडरस्टैंड्स वाटर ओपी आर द वाटर रिसोर्सेज इज द मेन रीजन फॉर पीपल टू सेटल near द रिवर्स जहां पे नदी जहां पे पानी है

ये अगर आंसर आपको गलत को भी गलत लग रहा है यार इट शुड बी टेक्स्ट बुक टेक्स्ट बुक ऑलवेज हाँ ठीक है ठीक है जिम्स लेटर आंसर इज जिम्स लेटर बेटा मिस्टेक है प्लीज इग्नोर इट थैंक यू फॉर पॉइंटिंग इट आउट नो प्रॉब्लम तू नो मेरी जान हो यार चलो पीपल ट लेसन ऑफ ज्योग्रफी डिड द पोएट लर्न वेन ही फ्लू अबाउट हिस् सिटी बहुत ईजी है जब पोयट जा रहा था ऊपर से जेट पे तो उसको जोग्राफी का कौन सा सबसे ज्यादा विषय समझ में आया इजी पीजी। बताओ सो एज द पोएट फ्लाइज इन जेट उसने पहले तो नोटिस किया कि सिटीज बिलो डेफिनेटली नॉट प्रॉपरली प्लान सिटी कैसे भी प्लानिंग थी यार from a height of 10,000 feet, he noticed that valleys were populated. Valleys बोले तो पहाड़ों के बीच का जो पार्ट है It was quite reasonable and understandable. मतलब ये तो ऑब्वियो था and logical था It was the compulsion. Compulsion मतलब कि ना बेटा the fact कि ये तो बनता है of geography.

तो द द फ्लू ओवर सिटी इन अ जेट प्लेन हैप्पीली वो प्लेन में जा रहा था ही फाउंड द सिटी स्प्रेड इन अ डिसऑर्डरली मैनर ही वैलीज क्यों पॉपुलेटेड है लैंड एंड वाटर मतलब सबको अट्रैक्ट करते हैं इट वाज द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी। ओपी इतना तक हमको पता है

चलो में बहुत बहुत सारे हैं आपको याद करना पड़ेगा ये so, देखो टीचेस अ लेसन दैट इफ वी स्टैंड टुगेदर अगर हम यूनाइटेड हो जाए तो वी कैन अचीव सक्सेस जस्ट लाइक आवर ब्रेव फ्रीडम फाइटर्स एंड बेटा दिस वाज आल्सो वन ऑफ द मेन रीजंस कि पहले वाला हमारा uh, ट फेल क्यों हुआ था बिकॉज नाइन सेवन का मूवमेंट वॉज वेरी यूनाइटेड दे हैड एन ऑर्गेनाइज अप्रोच इन इंडिया का स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिकॉज दे सैक्रीफाइस लाइफ सो दैट वी कैन लीड अ लाइफ ऑफ फ्रीडम एब्सोलटली ऑसम अरे वाह क्या बात है एटोमेसी तो चलो और ये जिम का कैरेक्टर स्केच आ गया क्या बात है चलो हाउ डिड इंडिया टर्न सोशली आंसर इन द लाइव चैट डिस्कस अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज बेटा बताओ इसके बारे में जो भी थॉट्स है बताओ लिखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एवरीबॉडी राइट कम ऑन लेट्स सी हाउ मच डू यू रिमेंबर एंड नो लिखो राइट 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 राहुल लव यू लक्ष्मी ओ माय गॉड सुपर्ब सोशल प्रैक्टिसेस चलो पीपल सो द रिलीजियस लीडर्स मतलब के आइडियाज लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज तो पीपल इंडिया में बहुत सारे साधु गुरु थे जो ये सब सिखाते थे स्प्रेड हैप्पीली फॉल्स इन्फो पीपल अकॉर्डिंग टू देम एनीवन हु क्रॉस द सीज मतलब जो भी अब्रॉड जाएगा ना उसका धर्म निकल जाएगा तो एनीबडी ही वुड लूज हिज रिलीजन

स एटोमे करेक्ट है सुपर बाई टेकिंग अ लॉट ऑफ टैक्स हंड्रेड परसेंट करेक्ट वॉड एल्स वॉड एल्स वॉट एल्स चलेगा क्या बात है तो ब्रिटिश पहली बात तो इंप्लीमेंटेड बेटा इंप्लीमेंटेड मतलब के कैरीड आउट या

i mean come on not only the farmers but the businessmen in india were affected too super duper sad yes perfect everybody is giving me perfect answers chalo people aa jao hamari macavity ke upar meku the cat ke upar super awesome aa jao so beta yahan pe poet ne personify kiya personify matlab human quality to a non human that is hamari बिल्ली माउशी कॉल मैकेट विध मेनीट नहीं हुई देखते देखती नहीं आयाबल टू कैच हिम भाई कितना भी पकड़ लो ही फर्दर डिस्क्राइब हमारी मक्कू दीदी एज अल कैट भाई क्यों ये हवा में उड़ सकती है एंड हीस मैजिकल पावर्स मतलब के हद ठीक है चलो द कंप्लीट पोयम इज बेस्ड ऑन डिस्क्राइबिंग अ परफेक्ट मिस्ट्री कैट हो जाए वॉट इज द मोस्ट रिमार्केबल थिंग अबाउट मक्कू दीदी बेटा बताओ बताओ मक्कू दीदी के बारे में सबसे बेस्ट चीज क्या है हैसम awesome चीज क्या है एवरीबडी राइट गिव मी सम गिवी सम्सल मैकेविटी के कैट के बारे में कुछ भी बताओ अमित सर को कमाल बताओ

So na, कि तो मतलब मैजिकल विच अलाउस वो फ्लोट कर सकता है क्राइम इज डिस्कर्डी भी कुछ किया है मैकेवि डिस विदाउट लिविंग अंगल ट्रेस बेटा ट्रेस मतलब के क्लू पता ही नहीं चलता ने कुछ किया है और बहुत बढ़िया बेस्ट डिस्क्राइब मक्कू दीदी अल्टीमेट आंसर है आ जाओ क्या बेटी मतलब उसकी आंखें ना बाहर नहीं अंदर की तरफ है ठीक है वो पूरा ऐसे क्या कोम एंड

जल्दी जल्दी बताओ ए और बी और सी और डी सुपर नो इट इज नॉट रस्किन इन बॉन्ड पिटाई करेंगे हालत खराब लॉस ऑफ मेमोरी लैप्स ऑफ मेमोरी चलो तो बेपिन चौधरी इज लैप ऑफ मेमोरी पीपल इसमें ना प्लीज रिमेंबर ऑल द डिफरेंट 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 कैरेक्टर्स क्योंकि बहुत सारे हैं एंड पूरी घटनाएं जो घटी है इस स्टोरी अबाउट अपिन चौधरी का हीरो घटना तो के बारे में बता रहे सो मच बिकॉज ही फील्स अरे बापरे बाकी सब तो मेरे को याद है वो एक घटना याद क्यों नहीं है अल्टीमेट ओपिप्राय क्या

अरे शरण आई एम सो प्राउड ऑफ यू आर ये विनाया वेरी गुड है सुपर है सुशील सिंह सर

वेरी पावरफुल तो बेटा लास्ट बार्गेन जो पोयम है ये डिस्क्राइब करता है उसको गुलामी नहीं करना उसको खुशी खुशी काम करना है दिस इज इंपॉर्टेंट द स्पीकर रिसीव ऑफर फ्रॉम द पावरफुल रिच एंड ब्यूटिफुल सबको टर्न देम डाउन मतलब से

ठीक है मतलब कि अट्रैक्टेड कि वाह यार ये तो बहुत मस्त बात है द चाइल्ड हिम मतलब उसको लगा कि चाइल्ड की मैजिकल है आफ्टर दिस ही के साथ भी कचकच -कच नहीं किया नेवर लुक फॉर वर्क सो दिस वी कैन से दिस वॉज हिज लास्ट बार्गेन बट द फ्रीडम एंड बेटा करेक्ट है करेक्ट है ठीक है चलो वी विल

पहाड़ों की चोटी पे चलते हैं बेटा 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 जाना मत। थोड़े सकान हो रही है है। मेरे बच्चों को, but अभी बाकी है. Summit within. तो बेटा, मतलब के अंदर पहाड़ पहाड़। चढ़ना बाहर का देखो, यार एम रियलाइजिंग बेटा आपको सीबीएसई नाइन में फिर से एवरेस्ट चढ़ने का चैप्टर है फिर से रीच फॉर द टॉप सेम टू सेम सोच लो ऑब्स्टिकल मतलब कि किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम को तोड़ो ठीक है बाय इनकॉर्पोरेटिंग थ्री क्वालिटीज इनकॉर्पोरेटिंग मतलब हैविंग बेटा तीन चीजें सीख जाओ ठीक है एंड्योरेंस तो एंड पर्सिस्टेंस बेटा इसको बोलते हैं विल पावर एंड इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ एंड विल पावर मतलब कि लगे रहो डटे रहो जुड़े रहो किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है बीइंग स्टेडफास्ट

एचपीएसूव लिखो बताओ इसके बारे में कुछ भी बताओ भाई एवरीबडी बताओ 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 नो बडी इज राइटिंग एनी पीपल तुम लोग सारे मेरे आंसर्स पढ़ रहे हो मेरे को कोई बता नहीं रहा है लिखो अल्ट्रा प्रोग्रेसिंग कॉन्ट्रैक्टर शिवरामे सिंह स्पीकर ऑफ द स्टोरी is saying climb. Correct. Superb. So he was a member of the first successful Indian expedition. Expedition Matlab ke mission to Mount Everest in 1965. OP. Why did the climbers leave a picture of God at Everest? Very important, very powerful. The author left on the Everest a picture of Guru Nanak. Guru Nanak is the God of the Sikh community. People. Rawat left a picture of Goddess Durga.

मतलब कि इतनी ऊपर पहुंच के बेटा दे आर सेइंग थैंक्स टू गॉड कि हम लोग आ पाए सो सो कूल चलो राइट द फिजिकल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ माउंटेन समेट ओपी हंड्रेड परसेंट इज गोइंग टू कम इन योर एग्जाम नोट डाउन बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है ठीक है पीविल लक्ष्मी बेटा योर योर आंसर इज इंटरेस्टिंग यू आर राइट तुम कुछ हद तक आप सही बोल रहे हो कि येस दे आर पल्यूटिंग ठीक है बिकॉज दे आर लिविंग बिहाइंड मैन मेड ऑब्जेक्ट इन नेचर जो गलत बात है अभी इसका सोल्यूशन क्या है यू शुड यूज इन्वायरमेंट फ्रेंडली मटेरियल्स, यू शुड यूज डीकम्पोजिंग मटेरियल्स, ठीक है बट यू आर राइट बट आई अग्री टू योर पॉइंटली अग्री ठीक है तो देखो वेदर द माउंटेन यू क्लाइंब और इमोशनल सो नो मतलब असली पहाड़ भी चढ़ सकते हो लेकिन सबसे पहले आपके अंदर जो आपके अंदर का पहाड़ होता है इमोशनल पीपल ये कोई मेरे को हौसेगा तो नहीं सबसे बड़ा डर है पीपल इसको हटाओ द्लाइंबली चेंज पीपल इट टीचे द वर्ल्ड इट टीचेल्फ अमित सर हमेशा बोलते हैं बी आई वाई बिलीव इन योर सेल्फ एंड बेटा एक चीज प्लीज याद रख लो आई एम टॉकिन माई मनीष माई कृतिकाईसम का एक स्टिकर बना के ना अपने अपने बेड के सामने चिपका दो एवरी डे वेन यू गेट अपड सी दिस आई एम ऑसम ट्रस्ट मी तुम लोग कांफिडेंस ना इधर से इधर आ जाएगा एब्सिल चलो पीपल स्कूल बॉय एकदम क्यूट क्यूट पोएम स्कूल बॉय पोयम इज अबाउटी स्कूल बॉय बापरे पीपल ओ इतना दुखी है आई डोट नो वाई He likes summer mornings. He is fond of seeing the trees and the birds. उसको बाहर भटकना है, घूमना है, सृष्टि में enjoy करना है. And he found the distant sound of the huntsman's horn. तो so people hunting शुरू होने से पहले वो लोग horn बजाते हैं. Oh, उसको बहुत अच्छा लगता है. He wishes to sing with the skylark. तो so बेटा skylark is nothing but a morning bird. He enjoys being in the company of nature. He hates, hates, hates school. चल.

चलो पीपल वी आर ऑलमोस्ट रीचिंग द एंड बेटा इसके बाद हम लोग को चलना है हमारे वीक पे दिस इज तो बेटा ये बहुत ही टचिंग और इमोशनल स्टोरी है यार मेरे को बहुत रोना आया पढ़ के अबाउट अ लिटिल चाइल्ड एंड हिज कॉन्शियसनेस बेटा कॉन्शियसनेस मतलब कि उनका दिल का सोल ठीक है इट रिवॉल्व्स अराउंड द इमोशंस ऑफ जोडी एंड जोडी का एब्सोल्युटली प्योर हार्ट ठीक है पीपल व्हेन अ स्नेक बाइट्स जोडी का पप्पा

फोन और फोन है भगवान फोन मयंक बेटा फोन फोन रहे हैं देखो जोडीज हार्ट एंड लिवर टू ड्रॉ आउट ड्रॉ आउट मतलब के ना बेटा, वो हार्ट एंड लिवर ना पॉइजन को आउट कर देता है तो उसकी जान बच गई लेकिन उसकी माँ की जान चली गई सो सैड ना ठीक है चलो डिस्क्राइब द फीलिंग ऑफ जोडी

तो पीपल दिस इज अ वेरी फनी फनी तो मतलब ना पॉन्ड में रहेगा ना तो डक ने बोला कैंगरू के ये मेरे को लेके चलना है यार घुमाने को तेरे साथ कैंगरू ने बोला हाँ ठीक है मेरे पीछे बैठना एंड मेरे टेल पे बैठना लेकिन देखो देखो तुम ना तुम्हारे पैर की वजह से ना मैं बीमार पड़ जाऊंगा आई विल फॉल सिक

हाउ डिड द कैंगू रिस्पॉन्ड टू दिक्वेस्ट बहुत आसान है फिर से बहुत ईजी है कैंगरू सेव टू पॉन्डर मतलब कैंगरू ने बोला पहले तो हम सोचूंगा मैं तुम्हारे बारे में ठीक है ही फर्स्ट ऑब्जेक्टेड मतलब कि उसने बोला नहीं क्योंकि तुम्हारे पैर गीले है उसके में मैं तो नहीं करने वाली हूं ठीक है बिकॉज ही फेयर दे वुम रू मैटिजम तो बेटा रू मैटिजम इज अवियर फॉर्म ऑफ द कोल्ड सर्दी का बड़ा फॉर्म है लेटर ही अग्रीड के चल ठीक है ले जाओगे

विलियम ब्लेक रविंद्रनाथ टैगोर विलियम वर्ड रॉबर्ट फ्रॉस्ट ए और बी और सी और 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 डी पीपल बताओ कम ऑन ए बी सी डी हो जाए बस देन वी आर डन देन वी आर गोइंग टू आवर वीक और बी और सी और डी ए और 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 बी सी डी सुपर डुपर ऑसम पीपल करेक्ट आंसर आंसर इज विलियम ब्लेक बाकी सब आंसर्स नहीं है प्लीज सिली मिस्टेक मत करना चलो पीपल इसी के साथ लेट्स कंटिन्यू एंड गो टू आवर वी क्विज पीपल एवरीबॉडी प्लीज चलो वी क्विज में आ जाओ सारे बच्चे वी क्विज में पीपल पहले पहले लेट्स गो बैक टू आवर वी क्विज सारे बच्चों को जाना है www.vquiz.in पे कोड लगाना है डबल टू सिक्स एट थ्री फाइव डबल टू सिक्स एट थ्री फाइव आ जाओ आ जाओ अमित सर ने वापस डाल दिया है कोड पीपल एवरीबॉडी क्विकली ज्वाइन प्लीज गो टू डब्ल्यू 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 डॉट वीक्वेस्ट डॉट इन एंड कोड लगाओ डबल टू सिक्स एट थ्री फाइव डबल टू सिक्स एट थ्री फाइव हाई माई मेधा हाउ आर यू

मैकेविटी मिस्ट्री कैट है काहे सो बिकॉज ही हैज हिडन पावर स्कॉटलैंड यार्ड इज बैफल्ड बाय हिम नो वन अंडरस्टैंड्स हिज वे ही हैज अ हिडन पॉ कम ऑन इजी पीजी थैंक यू माई पीपी पीपल बडी गो बडी गो बड़ी कैन अंडरस्टैंड हिम हिडन पावर्स वो कोई ऐसा हिडन उसके सारे पावर्स पता है सबको वो खुद ही हाइड कर सकता है ओ नो जीरो बापरे कोई आगे बढ़ा ही नहीं लीडर बोर्ड पे कमान अगला सवाल पीपल यू कैन डू इट हो जाए वी गो बाबू रिटर्न अर्ली ठीक है फ्रॉम ऑफिस बिकॉज मुखर्जी कॉन्वर्सेशन डिस्टर्ब हिम गॉनमेड हो बताओ

द पोए डिड नॉट एक्सेप्ट द किंग का ऑफर इन द लास्ट बार्गेन बिकॉज यू वॉन्टेड फ्रीडम मोर पावर मोर मनी और वर्क वेरी गुड सारे अलग अलग आंसर दे दो बहुत बढ़िया क्या बात है

फातिमा बेटा दैट्स योर जॉब ना खाली वही करना है ना वोट फॉर ए वोट फॉर बी कूल so cool. एग्जाम में भी वही लिख के आना हाँ मल्टीपल आंसर्स कमिंग ओ गॉड सारे के सारे बच्चों ने सब कुछ कर दिया बेटा ही वाज ग्रेटफुल ताकि वो शांति से आराम से पहुंच गया

People, what is Gouda? He has dropped something. Gouda. hey <laughs>

अभी तो हमार वी वॉर्स है विद सना मैम एंड आई विल सी यू देन तब तक के लिए प्लीज टेक केयर दिस इज अमित सर साइन ऑफ